मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका ने आज मुमरा के रशीद कंपाउंड चरनीपाड़ा में बाला इमारत में कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये बाला नामक इमारत 5 मंजिला है और आज मनपा के अतिक्रमण विभाग के जितेंद्र साबले ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर इमारत की 5वीं मंजिल पर अपना हथौड़ा चला दिया। 5वीं मंजिल पर 4 रूम थे, जिसमें से 2 रूम में परिवार के साथ लोग रहते थे, मगर जिस 2 रूम में कोई नहीं रहता था उसे तोड़ दिया गया। 6वीं मंजिल पर बनने के लिए जो कॉलम से सरिया निकली हुई थी उसे भी गैस कटर की मदद से काट दिया गया। वहीं 5वीं मंजिल पर 2 रूम पूरी तरह से मनपा कर्मियों ने तोड़ दिया, स्लेब भी काट कर गिरा दिया। यहां तक कि जो रूम में लादी रखी हुई थी उसे भी मनपा कर्मियों ने हथौड़ा मारकर तोड़ दिया है। तस्वीरें देखें, पूरी तरह से 5वीं मंजिल पर कार्रवाई कर 2 मकान तोड़ दिए गए हैं। वहीं 4वीं मंजिल पर 2 रूम मनपा ने सील कर दिया है। इन दोनों रूम में कोई रहता नहीं था, मगर कुछ लोगों ने कहा कि इसमें लोग रहते हैं, मगर फिर भी मनपा कर्मियों ने रूम खाली पाया और इसलिए इस दोनों रूमों को सील कर दिया। वहीं इस बाला मंजिल नामक इमारत के 5वीं मंजिल पर मनपा ने अपना हथौड़ा चलाकर 2 रूम पूरी तरह से तोड़ दिया। और वहीं जितेंद्र साबले ने बताया कि ये कार्रवाई मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर के निर्देश पर की गई है और अवैध निर्माण पर आगे भी उनके आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।